क्या ज्योतिष शास्त्र सिर्फ शास्त्र नहीं एक विज्ञान है? क्या ज्योतिष शास्त्र विज्ञान नहीं सिर्फ शास्त्र है? क्या ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी भी इंसान के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है? क्या ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी भी इंसान के भाग को बदला जा सकता है? क्या ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी भी इंसान के जीवन में होने वाली अनहोनी आदि घटना को टाला जा सकता है? क्या ज्योतिष शास्त्र में ग्रह नक्षत्र वाकई में विज्ञान आधारित है? क्या ज्योतिष शास्त्र में कही गई हर बात 100% सटीक है? वाकई में ज्योतिष शास्त्र सिर्फ शास्त्र है या कोई ठग शास्त्र है? क्या ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ज्योतिषी अपनी ठगी का दुकान तो नहीं चला रहे? क्या ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र के नाम पे ठग विद्या, ठगी की दुकान या धंधा तो नहीं चला रहे? तो चलिए तर्क की कसौटी पे परखा जाए, ज्योतिष शास्त्र सिर्फ शास्त्र है या विज्ञान? क्या ज्योतिष शास्त्र ठग शास्त्र नहीं? तो चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल हुआई आई एम रेसलिस्ट हिंदी में क्यों मैं युक्तिवादी हूँ, मैं संतोष शर्मा, चलिए चर्चा करता हूँ ज्योतिष शास्त्र शास्त्र नहीं ठग शास्त्र। इस आधुनिक विज्ञान के युग में भी ऐसे अनेक लोग हैं जो भाग पर विश्वास करते हैं, ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, ज्योतिषियों पे विश्वास करते हैं। इसीलिए जब ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास करने वाले लोग ज्योतिष के पास दौड़ के जाते हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन में किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, जब कोई भाग विश्वासी ज्योतिष शास्त्र में विश्वासी लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो ज्योतिषी उस व्यक्ति का हाथ देखकर, उसकी हथेली पे रेखा देखकर, मस्तक देखकर या कुंडली बनाकर उसके भाग का विचार करता है कि इस व्यक्ति के जीवन में किसी की भी तरह की समस्या, दुर्घटना, अनहोनी तो नहीं है। अगर उस व्यक्ति के जीवन में कोई दुर्घटना या अनहोनी है तो ज्योतिषी ताबीज, कवच, ग्रह रत्न द्वारा, यज्ञ द्वारा उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में दावा किया गया है ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब किसी शिशु का या बच्चे का इस धरती पर जन्म होता है तो उस जन्म के साथ ही उस शिशु का भाग निर्धारित हो जाता है और वो भाग पूर्व निर्धारित और इसे बदला नहीं जा सकता है। यानी जन्म के साथ ही किसी बच्चे का जो भाग निर्धारित होता है वो पूर्व निर्धारित होता है और इसे किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता है। किसी भी उपाय से इस पूर्व निर्धारित भाग को कोई भी इंसान बदल नहीं सकता है। यानी ज्योतिष शास्त्र के दावे के अनुसार भाग पूर्व निर्धारित होता है और इसे कोई भी ज्योतिषी, कोई भी इंसान बदल नहीं सकता है। लेकिन हम वास्तव में क्या देखते हैं, जब ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करने वाले लोग पूर्व निर्धारित भाग को बदलने के लिए किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो ज्योतिषी आपके पूर्व निर्धारित भाग को बदलने के लिए ताबीज, कवच, ग्रह रत्न आदि दिया करते हैं। यानी पूर्व निर्धारित भाग को बदलने के लिए ज्योतिष तरह तरह के उपाय बताते हैं, ताबीज, कवच, ग्रह रत्न, जग आदि करवाते हैं। और हम तर्कवादी, युक्तिवादी, विज्ञानवादियों का सवाल है, अगर भाग पूर्व निर्धारित है और इसे किसी भी उपाय से बदला नहीं जा सकता है तो ज्योतिषी किस आधार पे उस व्यक्ति को ताबीज, कवच, ग्रह रत्न आदि दिया करते हैं? इससे यह तो साबित नहीं होता है कि ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, ज्योतिष शास्त्र को पाखंडी शास्त्र, ठग शास्त्र बताते हैं यह ज्योतिषी। अगर ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक
हमारा भाग्य पूर्व निर्धारित होता, हमारे जीवन में किस वक्त क्या होने वाला है वो पहले से तय होता, तो हमें कर्म करने की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, हमें बीमार होने पे कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा भाग्य पूर्व निर्धारित होता ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, तो हमें कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, हमें हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना चाहिए, हमें अपने आप पैसा मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगी, हमें अपने आप डिग्री मिल जाएगी, हमें अपने आप नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हम वास्तव में क्या देखते हैं, जो लोग ज्योतिष शास्त्र विश्वास करते हैं, ज्योतिषियों पे विश्वास करते हैं, वो अपना कर्म करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, बीमार पड़ने से डॉक्टर के पास जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, दवा लेते हैं। जो लोग ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास करते हैं, वे लोग जब बीमार पड़ते हैं तो क्यों डॉक्टर के पास जाते हैं? हम तर्कवादियों का सवाल है, अगर आप ज्योतिष शास्त्र पे विश्वास करते हैं, ज्योतिषियों पे विश्वास करते हैं, भाग्य में विश्वास करते हैं, तो आपको बीमार होने पे कोई डॉक्टर पास नहीं जाना चाहिए, दवा नहीं लेनी चाहिए, अस्पताल नहीं जाना चाहिए, आपको पूर्व निर्धारित भाग्य के मुताबिक घर पे लेटे रहना चाहिए। आपके भाग में जो होना है होना ही होगा, क्योंकि आपका भाग तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पूर्व निर्धारित है। क्यों आप पूर्व निर्धारित भाग को बदलने के लिए विज्ञान का सहारा ले रहे, क्यों आप चिकित्सा विज्ञान से सहारा लेकर अपना इलाज करवा रहे? आपका भाग में यदि लिखा हो कि आपको बीमारी होना है और आप बीमार होके मर जाएंगे, तो आपको पूर्व निर्धारित भाग पे विश्वास करना चाहिए, आपको इलाज नहीं करवाना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या देखते हैं, जो लोग ज्योतिष शास्त्र विश्वास करते हैं अथवा जो ज्योतिषी हैं, वे भी ज्योतिष शास्त्र में बताए गए बातों को यानी पूर्व निर्धारित भाग की बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। जब कोई ज्योतिषी भी बीमार पड़ते हैं तो वे भी अपने इलाज के लिए डॉक्टरों पास चले जाते हैं, दवा लेते हैं, अस्पताल जाते हैं। क्यों ये पाखंडी, क्यों ये दो मुही बातें, क्यों वे ज्योतिष शास्त्र को पाखंडी शास्त्र साबित कर रहे हैं ज्योतिषी? यदि आप ज्योतिषी हैं तो आपको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपको पैसा आ जाएगा, अपने आप आपको घरवारी मिल जाएगा। अगर आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, भाग पूर्व निर्धारित है और आपके भाग में लिखा हुआ है कि आप बड़े होकर डॉक्टर होंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो आपको पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ना तो स्कूल जाना पड़ेगा, ना मास्टर जी के पास जाना पड़ेगा, ना कॉलेज जाने की जरूरत है, ना एग्जाम देने की जरूरत है, आप बगैर पढ़ाई लिखे के ही डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, क्योंकि आपके भाग में पहले से ही तय है, निर्धारित है कि आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ऐसे में आपको पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं तो ये कहना ही पड़ेगा कि आप ज्योतिष शास्त्र में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, आप कर्म पे विश्वास करते हैं, अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं, और आपका कर्म और आपकी मेहनत ये साबित करता है कि ज्योतिष शास्त्र में यह बताया गया है कि भाग पूर्व निर्धारित है, ये सरासर झूठ है, अफवाह है, और अफवाह में आप विश्वास नहीं करते हैं, आप अपने कर्म पे विश्वास करते हैं। लेकिन ज्योतिष नामक पाखंडी धंधेबाज लोग अपनी दुकान चलाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए, रोजी रोटी के लिए ज्योतिष शास्त्र के नाम पे दुकान खोल कर बैठे हैं, लोगों को ठग रहे हैं।